अस्सलाम वालेकुम। बंदे की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। ईद मुबारक हो सब लोगों के लिए। आज हम बनाएंगे गुर्दा कलेजी। देखो, हमने ये गुर्दा और कलेजी को इसको हमने धो के रख लिया है, इस तरह से साफ कर लिया है। अब इसे हम बनाएंगे। इसके लिए हमने देखो, ये तो हमने खड़े मसाले लिए। ये 3-4 लौंग हैं, 2 इलायची हैं, थोड़ा सा जीरा है, 2 तेज पत्ते हैं, और ये अदरक लहसुन की पेस्ट है 2 चम्मच, और ये एक प्याज हमने बड़ी सी इसको हमने पेस्ट बना लिया है, और ये थोड़ी सी छोटी सी एक प्याज थी इसको हमने काट लिया है। अब इस तरीके से हमने ये मसाले लिए और मसाले डालेंगे, दिखाएंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। अभी हमने कुकर रख दिया, इसमें हमने तेल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। सरसों का तेल डाला है हमने, आप चाहो तो दूसरे तेल में भी बना सकते हैं। हमने ये वाला 2 चम्मच भर के तेल डाला है, ये जो होता है ढोंगे का, इसे बस इतना ही डालेंगे। अभी तेल गरम होता है, अभी तेल गरम हो गया, अब इसमें हम खड़े मसाले डालते हैं, ये जो हमने दिखाए थे अभी डाल। अब इसमें हम ये प्याज डाल देते हैं, जो हमने काटी आधी प्याज वही डाल दी, छोटी सी एक प्याज की बस। अब ये प्याज जो है पिंक हो गई, अब इसमें हम अपनी देखो इस तरह की हो गई, ये हो गई। अब इसमें हम ये गुर्दा और कलेजी ये डाल देते हैं इस तरह से। इसको हमने छन्ने में रख दिया था धो के, पानी बिल्कुल नहीं है। अब इस तरह से हम तेल में से 2 मिनट के लिए ही भून लेते हैं, इस तरह से हम भून लेते हैं इसको। इस तरह से बनाओ, बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी बनती है। आप भी इस तरीके से बनाना देखो। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन डालते हैं 2 चम्मच। अब अदरक लहसुन के साथ हम इसे भून लेंगे। अब देखो, ये अदरक लहसुन के साथ हमने इसे भून लिया, देखो इसका कलर चेंज हो गया। देखो इस तरह से भुना है खूब अच्छे से। अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। अब इसमें हम ये जो हमने ये प्याज पीसी थी ये भी डाल देते हैं, सॉरी एक प्याज पीसी थी हम, अब इसके साथ भून लेते हैं इसको प्याज के साथ। बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से बन जाता है ये, और इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी होती है खाने में, बहुत अच्छी। अब देखो, ये अच्छे से हमने ये प्याज के साथ भी भून लिया इस तरह से। अब इसमें हम पिसे हुए मसाले डालते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी डाली है, ये पहले हमने इसमें हल्दी डाल दी, अब इसमें मसाले मिर्ची डाल, 1 चम्मच मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी बस और डालते हैं, इतनी डाली हमने, समझो 1 ही चम्मच है, थोड़ी सी डाल दी थी बस। और ये 2 चम्मच भर के धनिया, इतना ये डाल दी हमने पाउडर मसाले। अब इसमें हम नमक डालते हैं, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, जितना खाते हैं हम, ये 1/2 चम्मच नमक डालते हैं, जिससे भून लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। इस तरह से मसालों की महक निकल जाए, थोड़ा सा पानी डालते हैं बस इतना। अब इसके साथ इसे इस तरीके से भून लेंगे। ये 2 चम्मच हमने दही लिया, ये भी डालेंगे, इसको फेंट दिया हमने 2 चम्मच भर के है। अब ये भुन गया, अब इसमें हम ये दही डाल देते हैं जो हमने रखा था 2 चम्मच, इस तरीके से दही डाल के पी लेते हैं। देखो कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है ये, देखो है कितनी अच्छी मसाला। देखो ग्रेवी इस तरह का ही होना चाहिए, और ग्रेवी ज़्यादा होती है तभी अच्छा लगता है गुर्दा कलेजी, टेस्टी लगता है। देखो कितना मसाला है, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका गुर्दा कलेजी भी ऐसे खुशबूदार बनेगा, बहुत अच्छा। अब इसे हमने भून लिया, इस तरह से अच्छी तरह से भून लेना, भूनना अच्छे से। अब ये भून गया, देखो इसका तेल अलग हो गया बिल्कुल मसाले से, है ना। अब इसमें हम ये 1 कटोरी पानी डालेंगे बस, ये वाला
अब इस तरह से मिला देंगे हम, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस सिर्फ एक कटोरी बस। अब इसे हम कुकर को बंद कर देते हैं और इसमें हम दो सीटी लगाएंगे, सिर्फ दो। इधर देखो हमने बनाया है ये दाल गोश्त, उड़द की दाल गोश्त, देखो कितना अच्छा बना है। देखो अभी बनाया हमने कितना बढ़िया बेहतरीन, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो है बहुत चिकना होता है, इस तरह से नहीं खा सकते, हमें खाना इस तरह से पसंद नहीं है, तो हम इसमें अपने ये दाल या सब्जी कुछ भी डाल के बनाते हैं। अब इसके देखो कितना अच्छा बना है उड़द की दाल गोश्त, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने अपने घर पे ही धो के दाल बनाते हैं, उड़द की दाल हम भिगो देते हैं एक घंटे तक और फिर हम उसको धो के फिर हम डालते हैं गोश्त में, बहुत अच्छा बहुत खुशबूदार बना है। इधर हमने बनाए दाल गोश्त के साथ, देखो ये चावल, ये देखो चावल बनाए, इस तरह से हम चावल बनाते हैं इसके साथ, बहुत अच्छे लगते हैं, देखो कितने सॉफ्ट चावल बने अलग अलग, ये दाल गोश्त के साथ खाओ बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी हमारे तरीके से। इसमें हमने दो सीट लगा के गैस बंद कर दी थी, अब इसकी देख अभी खोलते हैं, देखो देखो कितने अच्छे से बना है हमारा ये गुर्दा कलेजी, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया बना है। देखो अब इसमें हम गरम मसाला डालते हैं, अब इसमें ये आधा चम्मच गरम मसाला डालते हैं, थोड़ा सा और बस आधा चम्मच ही डाला है। अब इसको हम इस तरह से डालिए और अभी दिखाते हैं, ये धनिया डालते हैं, बहुत अच्छा बहुत खुशबूदार बनाए देखो गुर्दा कलेजी, आप भी हमारे तरीके से बनाएं। देखो अब देखो ये बन गए हमारे गुर्दा कलेजी, देखो कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बहुत खुशबूदार बने हैं, देख लो आप। देखो इस तरीके से बनाना, आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे आपके भी गुर्दा कलेजी ऐसे बनेंगे, और हमारे तरीके से बनाएं और खाएं, हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें अच्छी अच्छी कमेंट ऐसी करते रहें, आप लोग हमारा साथ दें, हमारा हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारी वीडियो बनाने का तरीका हमें पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें हमारी वीडियो को शेयर करें, और दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।